हमारे मनोरंजन मंत्री जी कभी कहते हैं कि सांड है, कभी कहते हैं गाय है, कभी कहते हैं तोता है, कभी कहते हैं शेर हैं। तो अपने दोनों बच्चों को बांधे छाने कुटियाएं, क्योंकि मैं तो इंसान का बच्चा हूँ ना, मुझे कैसे कोई बांध सकता है। और बीमार हैं, जब बीमारी बढ़ जाती है ज़्यादा ना, तो आदमी उल्टा सीधा बोलने लगता है। एक बकबकाइटिस बीमारी होती है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बकबकाइटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं, और इनका बड़बोलापन सब आप लोग जानते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा, जिस आदमी के जुबान पर लगाम नहीं हो, जिस आदमी कब किसको गाली दे देंगे, कब किसको कुछ बोल देंगे, उल्टा सीधा बोलना, कभी आज कुछ बोलना, कभी कल कुछ बोलना, ऐसे व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के बजाय मनोरंजन मंत्री का पोर्टफोलियो दे दें, वो घूम घूम मनोरंजन करते रहेंगे। सर, एनडीए प्रत्याशी जो अरविंद राजभर हैं कह रहे हैं कि जो सरकार थी सपा की लगातार 3 बार, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ घोसी में, मैं सांसद बनूंगा तो मिनी पीजीआई बनवाऊंगा। 7 साल से किसकी सरकार है? 3 बार नहीं, 7। हाँ जी, जो भी बता दीजिएगा। पत्रकार किस लिए हैं? यहाँ तो गवाह रहे ना, बता दीजिएगा। जो भी कुछ यहाँ दिख रहा है सपा सरकार का ही दिख रहा है। स्टेडियम में जितना काम हुआ वहाँ राजीव राय का बोर्ड लगा हुआ है। जिस 4 लेन सड़क से आजमगढ़ से लौट यहाँ आते हैं वो राजीव राय का बनवाया हुआ है। जिस बहादुरगंज वाली सड़क से आते हैं वो भी हमारे लेटर हेड पर बना हुआ है। और जिन सड़कों पर जाते हैं वो हमने ही बनवाया था। ये और बात है कि उनके सरकार में उसका रिपेयरिंग तक नहीं हो पाया। और मुझे नहीं पता कि अब किस नशे में, सत्ता का नशा है या कुछ और है। वो बोल रहे हैं कि सपा ने सरकार नहीं किया, 7 साल से यहाँ, 10 साल से केंद्र में सरकार है। जवाबदेही समझ। और आप पत्रकार भाइयों से एक शिकायत है, बुरा ना मानो तो कहूँ, जब आप सवाल करते हैं राजीव राय से या किसी से कि आपको घोसी वोट क्यों दे, तो वो सवाल होने लगता है कि घोसी विपक्ष में ने क्या काम किया, विपक्ष के काम बताइए, विपक्ष को जनता वोट क्यों दे। तो आप पूछ नहीं सकते कि सरकार आपकी है, क्यों मुँह में दही जम जाता है, बताएं। याद नहीं दिला सकते जब कहते हैं कि सड़कें टूटी, मैं सुन रहा था सड़कें सारी टूटी हुई है, तो उनको आप लोग याद दिला देते उसी समय की सड़कें बनी हुई है। आप 7 साल से आपकी सरकार है, 10 साल सोए हैं, किस चीर निद्रा में सोए हैं, किस अहंकार में सोए हैं। साल में 365 दिन होते हैं, 300 दिन आप बाहर रहते हैं और 65 दिन कहाँ रहेंगे, ये उनका कहना है। मुझे भी कहा अपनी चिंता करे, बलिया से लड़े वहाँ से भाग गए, बनारस से लड़े वहाँ से भाग के आ गए, 14 साल से राजीव राय यहीं हैं। राजीव राय जब वो कहीं नहीं थे, आप उनसे पूछे कि कोरोना में कहाँ थे, महामारी में कहाँ थे, लॉकडाउन में कहाँ थे, ट्रेन की दुर्घटना हुई थी कहाँ थे, बच्चे अनाथ हो रहे कहाँ थे, आपके समाज के बच्चे विदेशों में फंसे हुए थे कहाँ थे, आपके समाज के बच्चे अनाथ हो गए कहाँ थे, आपके समाज के बच्चे अफ्रीका में मरे हुए थे कहाँ थे, बाढ़ में कहाँ थे, कटान में कहाँ थे। आप लोग सवाल नहीं करते हो, आप लोग सवाल नहीं करते तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं 365 दिनों में कितना दिन रहता हूँ, ये पत्रकार साथी भी जानते हैं कितना दिन रहता हूँ। किसी भी नेता सांसद से सबसे ज़्यादा समय यहाँ दिया हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। छापा मऊ में पड़ा था, कहीं और नहीं पड़ा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, घोसी के लोगों आप सवाल करो, जहाँ भी जाए पकड़ लो इन बाप बेटा को और पूछो कि इन सब मुसीबतें से जब झेल रही थी जनता यहाँ की घोसी के, तो आप लोग कहाँ थे? 7 साल से विधायक हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, उस खड़ंजे का नाम बता दे जो खड़ंजा बनाया हो। अरे यार, बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम सेटिंग कर दिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, हमने भी टिकट दिया है और वो हारेंगे। आपकी सेटिंग होती राजनीति, मैंने थोड़ी देर बोला ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि मनोरंजन मंत्री हैं, बकबकाइटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त है। अपने बेटे की सेटिंग करने पहले गए बलिया बांसडी, सेटिंग नहीं हुई भाजपा के साथ, तो हमारे साथ आ गए। बनारस में सेटिंग करने गए, सेटिंग नहीं हुआ, तो अब छड़ी पर सेटिंग करने यहाँ आ गए हैं। तो पहले अपने बच्चों की सेटिंग कर ले, फिर बाद में कभी बसपा का सेटिंग करते हैं, कभी सपा का सेटिंग करते हैं, उनसे उनके बच्चे सेट तो हो ही नहीं पा रहे हैं, किसी और की सेटिंग क्या करेंगे? बीमारी से ग्रस्त है, उनको कौन से इलाज की आवश्यकता है? उनको मानसिक शांति चाहिए। मुझे तो लगता है कि कैबिनेट का बोझ संभाल नहीं पाएंगे, चुनाव के बोझ में इतने भाग गए हैं कि कुछ भी बोलने लगते हैं। कुछ भी, जनता ने जवाब दिया ना, समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, लड़के ने बोल दिया हाँ बन सकती है, बोल दिया ना। तो उनको मानसिक शांति की ज़रूरत है। एक चुनाव का तनाव में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मान लीजिए मंत्रालय में तो अच्छा हुआ कि आचार संहिता लग गया, काम करने का बोझ हो गया, पता नहीं क्या करेंगे वो, इसलिए बाबा को फिर सलाह दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि एक हफ्ता में मैंने माहौल थोड़ा सा बना दिया, इतना माहौल बना दूंगा कि जमाना जब्त हो जाएगा। 20 तारीख को वो बंगलोर चले जाएंगे सीधे फ्लाइट पकड़ के। अच्छा, बबुआ कहाँ जाएंगे? मैं तो यही था, 1400 चुनाव लड़ा हारा यही था, 19 में चुनाव नहीं लड़ा यही था। उनके बलिया से बनारस गए, बनारस से घोसे, घोसे से कहाँ जाएंगे, ये पूछने लगते।
आप पत्रकार बन साथी बहुत बदमाश हो, ये भी दिखाना। एनडीए प्रत्याशी ने मन से कहा है कि उनके पिता की जो शक्ल है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलती है। तो किसने बोला है? अरविंद राजभर ने मंच से कल। एक दिन बोलेंगे मैं गांधी जी से मिलता जुलता हूँ। गांधी की छड़ी बताए, गांधी की छड़ी है वो, गांधी की छड़ी है वो, भीमराव अंबेडकर है। अब देखिए किसी दिन मोदी भी बन जाएंगे, जो भी बन जाएंगे। अच्छा अच्छा ये बताइए मुझे, खाली ये पूछ लीजिए कि 5 तारीख को कौन कौन सी गाली भाजपा के कार्यकर्ताओं को दोगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति ने आपकी माँ बहन को गालियां दिया था, आपको जूते मारने की बात किया था, 5 तारीख को ये व्यक्ति फिर आपकी माँ बहन की गाली देगा और आपको जूते मारने की बात करेगा। 1 तारीख को इनका स्वागत कैसे करना है आप फैसला कर लें। ये कह रहे हैं कि दुबई के ठेकेदार है, बेंगलोर में रहते हैं, बोलेंगे समझ सहानुभूत रखो, सिंपैथी उनसे। बकाइटिस नाम का डिक्शनरी में खोजे कौन सी बीमारी होती है और धीरे धीरे जानते हो। सलाह देंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो सलाह उनके 2 बच्चे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब सलाह। वो बोलते हैं कि मोदी योगी को योगी से भीख नहीं मंगवा दिया तो ये कर लूँगा, मोदी योगी को नहीं भेजूंगा तो ये कर लूँगा। ये सब भाषा मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे अपने वो हैं। बस ये बोलूँगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मनोरंजन अच्छा कर लेते हैं, सीरियस होइए। अब आपकी बातों पर लोग हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका मखौल उड़ाते हैं, ये आपको भी पता होगा। और किसी कभी बसपा को सेट करते हो, कभी भाजपा को सेट करते हो, आपके बच्चे तो आपसे सेट ही नहीं हो रहे हैं बेचारे को लेकर, यहाँ बलिया बनारस घोसी या बगला पता नहीं कहाँ बना रहे होंगे। लिख लीजिए, फिर बोल रहा हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आखिरी सांस तक इसी धरती पर रहूँगा, लेकिन 5 तारीख को ये खूब गाली देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को माँ बहनों से नवाजेंगे और यहाँ से भागेंगे, बाद में जोगी जी वहाँ से भगाएंगे। यही ना, जोगी जी को तो भीख का कटोरा मंगवा रहे थे, ये सवाल क्यों नहीं करते जो हमारे बारे में बोलते, आप तो जोगी जी का भीख का कटोरा